हे गाइस, बात करने वाले हैं मौनी राय और शरद मल्होत्रा के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, मौनी राय को लंबे टाइम से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कोई वापसी नहीं करी है। जहां तक उम्मीद करी जा रही, फैंस लगातार डिमांड करते रहते हैं कि नाकिन के न्यू सीज़न में उनको होना चाहिए। न्यू सीज़न में कैमरा रोल प्ले करने के लिए ही वो आ जाएँ, तो ऐसे में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जी हाँ, सीज़न फर्स्ट और सीज़न टू नाकिन के सीज़न जो टू तक रहे हैं वो मौनी राय पर बेस्ड रहे हैं और काफ़ी अच्छे TRP लेकर आए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो फैंस डिमांड करते हैं, उनको डेली शो में देखना चाहते हैं। आप जानते होंगे वो बॉलीवुड की ओर एंट्री कर चुकी हैं, वेब सीरीज़ पर ध्यान दे रही हैं, सो ऐसे में डेली शो करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहेगा। इसीलिए वो डेली शो में यानी टीवी इंडस्ट्री में वापसी नहीं करने वाली हैं। इस तरह से खबरें सामने आती रहती हैं। आपको बता दें, मौनी राय को लेकर, शरद मल्होत्रा को लेकर, इन दोनों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सो ऐसे में डेली शो में एंट्री कर नहीं सकते, तो आखिर क्या कुछ आने वाला है, इस बात को लेकर फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। तो बता दें आपको, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि शरद मल्होत्रा और मौनी राय दोनों एक वेब सीरीज़ के ज़रिए नज़र आ सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि म्यूज़िक एल्बम भी हो सकता है, क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं है। दोनों का न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, इस तरह से खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज़ को लेकर ज़्यादा उम्मीद करी जा सकती है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही वो रिलीज़ होने वाला है जो भी न्यू प्रोजेक्ट होगा। शरद मल्होत्रा की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से तैयार हैं वेब सीरीज़ की ओर एंट्री करने के लिए, और यही वजह है कि अभी तक उन्होंने विद्रोही शो के बाद कोई डेली शो साइन नहीं किया है। फैंस इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही लंबे टाइम से, और फैंस की अगर बात करें तो शरद मल्होत्रा का शो उनके अपोजिट मौनी राय को देखना फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं फैंस उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर। सो देखते हैं कि आखिर ये जो भी प्रोजेक्ट जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं वो कब रिलीज़ होगा और किस तरीके का वो प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या कुछ शो की कहानी होगी, क्या कुछ होने वाला है। वाकई में फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। बात करें अगर म्यूज़िक एल्बम के बारे में, तो अभी तक नज़र आ चुकी हैं कई सारे म्यूज़िक एल्बम में मौनी राय, लेकिन उस म्यूज़िक एल्बम से कोई जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई हो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। सो देखने वाली बात होगी कि शरद और मौनी की जोड़ी क्या कुछ कमाल करती है। क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।